नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अजनी के गुंडों पर जानलेवा हमला, जुवाड़े पर छापा, 11 गिरफ्तार, दोपहिया को धक्का लगने पर पीटा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। शराब पीने को लेकर हुए विवाद में 5 भाइयों ने जानलेवा हमला कर 2 आरोपियों को जख्मी कर दिया। यह वारदात अजनी के विश्वकर्मा नगर में हुई। जख्मी राकेश कुदेशी तथा निशांत भगत है। 3 दिन पहले जख्मी राकेश अपने साथियों के साथ विश्वकर्मा नगर की गली नंबर 1 में रहने वाले विरजी कावेड़िया के घर के सामने शराब पी रहे थे। विरजी के घर की महिलाओं के मना करने पर आरोपियों ने हंगामा किया। इस पर विरजी ने अपने भाई लखन, करण, संतोष, राम तथा एक अन्य की मदद से हमला कर दोनों को जख्मी कर दिया। अजनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दूसरी खबर, कपिल नगर पुलिस ने पीली नदी परिसर में छापा मारकर 11 जुआरियों को पकड़ा है। आरोपियों में अनूप उके, ऋतिक चौहान, मानुराम सिन्हा, रोशन धार्मिक, दीपक नाग दिवे, संदीप पिल्लेवान, अक्षय हाड़के, विनोद रामटेके, रोहित भूते तथा अनिल परशुराम बेलेकर शामिल है। कपिल नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, दोपहिया को धक्का लगने से नाराज युवक ने पड़ोसी को पीट कर जख्मी कर दिया। मिनीमाता नगर कलमना निवासी अमोल तावड़े बुधवार की रात अपनी बेटी के साथ घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान अमोल का आरोपी चंपतराव उर्फ बाबू आतराम की दोपहिया को धक्का लग गया। इससे संतप्त होकर बापू ने लाठी से वार करके अमोल का सिर फोड़ डाला। कलमना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।